आप चाहते हैं कि आपके पेड़ों में बहुत सारे खूबसूरत फूल गुलाब के आए या और उसके साइज़ बड़ा हो, तो क्या करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज लेके आई हूँ, जो बहुत ही लोगों का कहना था। देखिए, जब भी आप ये गुलाब में कम से कम आप तो 3 बार 4 बार आपको साल में 4 बार कम से गोबर की खाद, ऑर्गेनिक खाद ज़रूर यूज़ करें। गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। अब ये खाद यूज़ करने से ये होता है कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, हमारे प्लांट को अच्छी एनर्जी मिलती है, जिससे ये बहुत ही अच्छे से साइज़ में हमको फूल प्रोड्यूस करते हैं। साइज़ फूलों का साइज़ बड़ा हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत, चाहे देसी रोज है चाहे इंग्लिश रोज हो। एक बात का और ज़रूर ख्याल रखिएगा, को आपको जब अच्छी खाद देंगे तो आपके जो प्लांट की जड़ों से जो नए नए प्लांट्स निकलते हैं गुलाब की, वो जंगली प्लांट होते हैं, उनको ज़रूर रिमूव करते रहिएगा। अगर उनको नहीं करेंगे तो आपका प्लांट एकदम जंगली बढ़ता चला जाएगा, फिर फ्लावरिंग कम हो जाएगी। तो जब अच्छी खाद देते हैं तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, फूल भी हमें बहुत ही प्यारे प्यारे मिलते हैं। छोटी छोटी टिप्स हमारे गुलाब की प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी गुड़ाई आप हफ्ते में एक बार करते रहिए, जिससे ये जड़ें रिमूव होती हैं और जड़ें जब ग्रोथ अच्छे से पाती है तो जड़ें भी अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए हैं, और अच्छे से गुलाब को अपना सर्वाइव कराइए, बहुत ही प्यारे फूल मिलने वाले हैं आपको। और देखिए, इस तरह से प्लांट होता है जिसमें जड़ें लंबी लंबी दिख रहे हैं आपको, काफ़ी कांटे होते हैं, और इंग्लिश रोज में अक्सर आपको ये स्टेम मेन स्टेम्स के नीचे से ये निकल आती हैं, तो इनको हटाना ज़रूरी है अगर अच्छे फूल आपको चाहिए।